वाणी की पवित्रता। बाबा ने हम बच्चों को रोज ये पाठ पक्का कराते हैं कि बच्चे तुम्हारी वाणी की पवित्रता क्या है। वाणी की पवित्रता है युक्ति युक्त बोलना, ज्ञान युक्त बोलना। बाबा ने तुम बच्चों को शंख दिया, इसके द्वारा तुमने शंख ध्वनि करनी है। बाप का संदेश सबको देना है, उसके बिगर तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं। कार्य होंगे तो कार्य करो, नहीं होंगे तो वापस चले जाओ। उस दिन बाबा की मम्मी पढ़ रहे थे तो बाबा बता रहा था जिस प्रकार देखो बाबा जिस समय मुरली चलानी होती है नीचे आता है, कार्य पूरा करके ऊपर चला जाता है। तो तुम बच्चे भी अपने को अवतरित हुई हुई आत्मा समझो। बाबा परम धाम से अवतरित हुआ है, हम पुरानी दुनिया से संगम युग पर अवतरित हुए, हम भी बाबा के साथ साथ अवतरित हुए हैं। किसके लिए हुए? धर्म स्थापन अर्थ अवतरित हुए। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाले हैं। तो जब अपने को अवतरित हुई हुई आत्मा समझते हैं तो हमारे मुख से हमेशा क्या निकलेगा? ज्ञान युक्त बोल निकलेंगे, युक्ति युक्त बोल निकलेंगे, यथार्थ बोल निकलेंगे। उसके लिए बाबा हम बच्चों को कहता है बच्चे मधुर बोलो, मीठा बोलो, सुख देने वाला बोलो। तो ये बाबा ने हम बच्चों को मनसा के लिए मर्यादा पवित्रता खींच के